पखांजुर खाद बीज की कालाबाजारी को लेकर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। पखांजुर अंचल में हर वर्ष किसानों के साथ बीज व्यापारी द्वारा अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में खाद बीज की कालाबाजारी करने का मामला सामने आता है जाता है, वहीं किसानों से अधिक मूल्य लिया जाता है जिससे किसान परेशान है। हाल ही में खाद बीज पखांजुर में मिलावट कर बेची जा रही थी जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। वहीं इसके रोकथाम के लिए पखांजुर में मंगलवार को ऑल इंडिया खेत मजदूर संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष अजीत मिस्त्री, सचिव अनिवेश विश्वास ने राज्यपाल के नाम पखांजुर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है जिसमें किसान संगठन ने मांग की है कि पखांजुर अंचल सहित क्षेत्र में कई बीज दुकान बिना लाइसेंस के बीज दुकान संचालित किए जा रहे हैं और किसानों से खाद बीज में मनमाने तरीके से अधिक राशि दी जाती है जिस पर कार्रवाई की मांग की। विक्रेताओं के ऊपर कार्रवाई हेतु मांग किया गया है। तहसीलदार में टीम द्वारा जांच टीम गठित किया गया है। टीम द्वारा उन दुकानों पर छापामारी की कार्रवाई की जाएगी। अगर दुकान द्वारा नकली या गुणवत्तापूर्ण खाद का बिक्री किया जाता है उस पर प्रतिबंध की कार्रवाई। आज किसान संगठन के द्वारा खाद बीज दुकानों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है, क्या कुछ कहेंगे इस विषय पे? ये ऑल इंडिया किसान खेतों संगठन के ये कहना है कि ये क्षेत्र है, किसान क्षेत्र है और अति मतलब यहाँ पे जो व्यापारी लोग है वो शासन प्रशासन का माध्यम से खाद वगैरह बीज वगैरह जो कंपनी को उससे भेजा जाता है, हम शासन प्रशासन को अवगत कराने के लिए ज्ञापन दिया गया है जो कि गुणवत्ताहीन बीज, गुणवत्ताहीन कीटनाशक दवाई एवं खाद, इसी में बहुत ही किसानों को जो नुकसान पहुंचा रहा है। पिछले साल बहुत लोगों का मतलब धान नहीं हुआ है तो उसके लिए मैं पूरा जांच टीम भानु प्रताप से आया था, उन लोगों को कुछ मतलब मुआवजा उनको मिला है। तो ये हमारा अरुण किसान खेत मजदूर संगठन ये कहना है ये गुणवत्ताहीन बीज अगर खाद जो है इसके ऊपर रोक लगाई जाए ताकि ऐसा अगर परिस्थिति रहेगा तो किसान लोग बहुत ही परेशानी में झेलना पड़ेगा, इसलिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। इसीलिए मैं अच्छा ये बताइए, देश का चौथा स्तंभ मीडिया जब इस विषय पर इसके खिलाफ में जब खबर लगाते हैं तो उन्हीं के विरुद्ध में पूरा संगठन के जो खाद बीज का जो संचालक है वो एक हो जाते हैं और उन्हीं के विरुद्ध में शिकायत करते हैं। यदि ऐसी परिस्थिति दोबारा आ जाए तो किसान इसके लिए क्या करेगा? नहीं यदि हमारे सही दिशा निर्देश अगर हमको मिले कि विभाग संगठन के माध्यम से हमको सहायक चाहते कि हम वहाँ सच्चाई की तो हम लड़ाई लड़ते हैं, सामाजिक कार्य हम लोग करते हैं। अगर असामाजिक कार्य कोई करते हैं हम उनको साथ नहीं देते। अगर सामाजिक कार्य देश के लिए व जनता के लिए अगर काम करते जो मीडिया वगैरह जो करते हैं उनको जो दबा हुआ जो बातों को मीडिया के माध्यम से हमको पूरा देशवासियों को पूरा किसान लोगों को जानकारी मिलता है, इसी बंधुओं को हम पूरा साथ देंगे। क्या मांगे हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? हमारा जो मांग है ऑल इंडिया किसान संगठन की ओर से पूरे देश भर के लिए जो अनियमित रूप से दवाई बेची जा रही है, जिनके पास लाइसेंस भी नहीं है, वो दवाई दुकान से दवाई लेके किसान बहुत ज़्यादा उनका नुकसान हो रहा है, इसके लिए आज हम ज्ञापन दिए हैं। और तहसीलदार साहब स्पष्ट रूप से ये भी हमें आश्वासन दिए हैं कि बहुत जल्द उचित कार्रवाई की जाएगी और जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो दुकानें के लिए जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो सकारात्मक ही होगा, इतना हमको आश्वासन आज मिला है। पखांजुर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट।